ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो भगीरथ, बताओ क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए देवी गंगा को स्वर्ग लोक से पृथ्वीलोक पर बुलाना चाहता हूँ। तथास्तु। भगीरथ, बिना किसी शक्तिशाली आधार के मैं देवलोक से पृथ्वी लोक पर आई तो मेरे वेग और प्रभाव को सहन करना पृथ्वी लोक के लिए असंभव होगा। माते, इसका उपाय तो सारे सृष्टि में सिर्फ एक ही देव दे सकते हैं, देवों के देव महादेव। ओम नमः शिवाय। महादेव, माता गंगा पृथ्वी लोक पर आने के लिए तत्पर है, आप सहायता करें प्रभु। सत्य है, उनके वेग को सरलता से नहीं रोका जा सकता। तुम उनका आह्वान करो, देवलोक से आने वाली प्रलयकारी गंगा का स्थान मेरी चटाओं में होगा। हे माता गंगे, मैं आपका आह्वान करता हूं। मैं बरसों से मुक्त रही हूँ, मुझ पर इस प्रकार का कोई बंधन नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें। हे देवी गंगे, आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतनी महान, इतनी विशाल हैं कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। सुर्ख वाला, सोज वाला,
होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव इश्क वाला लव आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी और बायोलॉजी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अल्फा बीटा और गामा से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे अभी कोई डाउट नहीं है तुम पहले फाइनलिस्ट क्यों बने हो। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। आई मीन यू सॉ आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिली है। वर्तिका, मुझे आई थिंक गीता के बाद अगर कोई दिखी है जो इतनी अच्छी डांसर है, इतना अच्छा कोरियोग्राफ करती है, तो वो आप हो। एंड टाइगर, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। मतलब ये गाना ऐसे इंटरप्रेट हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। गॉड ब्लेस यू ऑल बोथ, जस्ट अमेजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। उनका ये बोलना आपको कि आपने इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन किया इसका, इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। ये आशीर्वाद है आपके लिए। एंड आई नो कि जब ये हाथ रख देती हैं, दैट इट्स अ बिग ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी। टाइगर यू वर सुपर्ब। वो जो ओपनिंग का आप दोनों का किताब के साथ टेबल पे सीक्वेंस हुआ था, वो बहुत खूबसूरत था। कमाल कमाल कमाल, फैब्यूलस एक्ट। टाइगर एंड वर्तिका, वेरी नाइस, वेरी क्यूट। कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जिस तरीके से आपने मेज के नीचे जो किया आपने, वो बहुत कमाल का था। फिर जिस तरीके से आपने वो कागज के पन्नों के साथ, जब वो कागज के पन्ने ऐसे यू नो चेंज कर रही थी या टर्न कर रही थी, उसके साथ वही इफेक्ट आप दिखा रहे थे। वो बहुत ही नया, बहुत ही अलग थी। इट वॉज ब्रिलियंट। ओके, बस जैसे आपका अंग अंग नाचा, मैं चाहता कि आपका रोम रोम भी नाचे, ताकि आप कनेक्ट हो जाओ। तो वहां पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। इंडिया ने आपको पहला फाइनलिस्ट तो बना दिया है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको हर बार
फिनाले वाला परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और फाइनलिस्ट वाला परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और जनता का प्यार और विश्वास बना के रखना पड़ेगा। और आज हमारे साथ एक और फाइनलिस्ट आपके साथ जुड़ने वाला है, द सेकंड फाइनलिस्ट। तो ये बात मैं चाहूंगा कि सभी जो कंटेस्टेंट हैं, जो सुन रहे हैं, जो फाइनलिस्ट बनने वाले हैं, ये आगे जाके आपके लिए भी है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।